झारखंड राज्य के गुमला जिला में सरकार द्वारा पूरे झारखंड राज्य में पानी बचाव के लिए तत्पर होने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर तालाब की पानी को अपने निजी स्वार्थ में और तालाब में मछली पकड़ने की कवायद से हजारों लीटर से अधिक पानी को बहा दिया गया, जिसे लेकर गांव के लोग आक्रोशित हैं। मामला जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत पुसो थाने क्षेत्र के ग्राम पुसो पोखरा टोली का है, जहां निजी स्वार्थ को लेकर सार्वजनिक तालाब का पानी यूं ही बहा दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने खूब बवाल काटा है। गांव के दबंग परिवार के द्वारा तालाब का पानी मशीन के द्वारा बाहर कर तालाब को सुखा कर मछली मारने का मामला सामने आया है। इधर मामले को लेकर पुसो गांव के पोखरा टोली के ग्रामीणों ने बताया कि यह परिवार अपने आप को दबंग समझता है, हर वक्त दबंगई करता है। जमहीर अंसारी, आसिफ अंसारी, सैफू अंसारी, आजम अंसारी, गंभीर अंसारी समेत पूरे परिवार के लोगों के द्वारा गांव के लोगों के मना करने के बाद भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। वहीं विवाद बढ़ता देख इन लोगों ने मशीन बंद कर दिया था, जिसके बाद रात में फिर से मशीन द्वारा पानी सुखाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण जुटने लगे, इसे देख सभी लोग भाग निकले। वहीं दबंग परिवार के लोगों ने रौब दिखाते हुए कहा है कि तालाब का पानी हर हाल में सुखा देंगे, ब्लॉक से ऑर्डर है, हमें मछली पालने का टेंडर मिला है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल जमाव से खेत में लगे फसल खेसरा, मसूरी, बटूरा भी काफ़ी बर्बाद हो गया है, जिसे ग्रामीण काफ़ी दुखी है। बताया कि मवेशियों को पानी पिलाने, नहलाने, ग्रामीणों का नहाना, कपड़ा धोना से लेकर खेती बाड़ी तक का काम इसी तालाब से होता है। एक परिवार के चलते पूरा क्षेत्र परेशान हो रहा है। ग्रामीण जांच पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई के साथ टेंडर भी रद्द करने की मांग की है। बहरहाल जो भी हो, एक तरफ पानी को सेफ वाटर के तहत बचाने की दावे करती है, वहीं दूसरी ओर दबंग लोग और अफसरशाही की दबंगे की यह तस्वीर सरकार के सभी मानकों की पोल खोल रही है। जरूरत है इस दिशा में ठोस कदम उठाने की, नहीं तो ग्रामीण गोलबंद होकर आंदोलन करेगी। यह है कि हमरे के पानी कर इकर में पानी के हमरे के घटाए के नहीं रहे, हमरे के पानी जहाँ तलक हमरे के पानी सही हमरे के, लेकिन पानी के 5 फीट घटाए दिले बहा दिलक, बहाल कर बाद में खेती बाड़ी भी नुकसान हो गया, मैंने पूरा जो भी खेसरा बटरा आजकल के रौदारी वाला खेती गर्मी वाला हुए ना नहीं, वो नुकसान भी गया और पानी के इवन बहा दिले मशीन। अच्छा, के संबंध में इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग जितना कृषक हैं है ना, इतराम में पानी यहीं से बैल को पिलाते हैं, बैल बकरी जितना भी है यहीं से पिलाते हैं, नहाना धोवाना ही क्या है, जिसमें खेती बाड़ी भी होता है और 4-5 गो गांव का मवेशी को पानी यहीं पिलाता है, और जो पानी बहाने के कारण खेती भी नुकसान हुआ है, जो हम लोग का खेसरा बोटरा जो भी लगल था खेत में वो मर रहा है। पानी बहाया गया मछली मारने के लिए, जिसमें 5 फीट कम ही हुआ है पानी आए दे हैं और बहाले हैं, शेखर में बहुत ज़्यादा रबी खेती की खेती के भी नुकसान हुए है, और जब मना करे आली तो कहते हैं कि नहीं वीडियो से हमारे परमिशन ले, अभी जो खेती बाड़ी रबी खेती के नुकसान हुए शेखर, वो पानी बहा के बर्बाद कर रहे हैं शेखर, 5 फीट सूखे पानी बह रहा है। मशीन लगा के बड़का मशीन लगा के 3-3-4 रात लगा है मशीन। अच्छा, चाहिए जैसा काम कर रहे हैं साफ साफ जमीर सैफू आसिफ उसका पूरा परिवार है, मछली मारे के चलते कि जब पुछली पानी से निकालते रहे टुआ था तो मछली मारने टुआ थी मछली कहते हैं वीडियो करा दे है कैसे वीडियो। तो हमारे घर पानी के मन टुआ दिले अपन मनमानी करके, तो हमारे के पानी के बदली पानी चाहिए, और बिना गांव कर पुछले मैंने अपन मन से पानी कटवा दिले, और मछली के मारे लिए मन अटवा लें गंभीर है। क्या है कि हमरे कहली कि मशीन लगा के पानी अटवात रहे मछली मारे ले,
तो हमरे कहली कि अथी मशीन लगा के का लटुआ था पानी के, हम इन इतना अथी गरीब आदमी गरु है बछरू है आदमी, तोहरे तो अमीर हाथ तोहरे बोरिंगो करके चलाबा, हमरे कैसे करके चला कहके यह सब बात के कहली। समस्या है हमरे कर पानी कर यहाँ जरूरी है, सरकारी पोखरा है के हमरे कर गाँव भी रही है जब एक हमरे कर पोखरा है, गाय गोरु हमरे एक से पियेला नहेला धोवेला और मशीन लगा रहे दू ठोटवाए पाँच फीट, तो पाँच फीट अथी ओटवाल और सिले उकरे रोक करल जा है मछली मारे ले।